महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी को लेकर जारी सियासत के बीच मुंबई में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा भी गर्मा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्टडी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि मुंबई में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है। अगले 27 सालों में मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% तक हो जाएगी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ ने मुंबई के सामाजिक ताने बाने पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो क्या वाकई ऐसा है? सवाल तो यह भी कि चुनाव से पहले सामने आई इस रिपोर्ट के जरिए क्या सियासी समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है? यह भीड़ दौड़ती भागती मुंबई का हिस्सा है। यह इंसानी सैलाब देश की आर्थिक राजधानी को रफ्तार देता है। जिस शहर में हर किसी को पनाह मिल जाती है, उसी मुंबई में अवैध घुसपैठ को लेकर आई एक रिपोर्ट बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। 118 पन्नों की ये वही रिपोर्ट है जिसमें मुंबई को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। स्टडी रिपोर्ट को TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जारी किया है। मकसद मुंबई में अवैध घुसपैठ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर को जानना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ शहर का सामाजिक ताना बाना तहस नहस कर रही है। बात इतनी ही नहीं है, रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है कि आने वाले 27 सालों में मुंबई में हिंदू 54% से भी कम रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 1961 से 2011 तक हिंदुओं की आबादी 88% से घटकर 66% तक पहुंच गई है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 1961 में 8% थी, जो 2011 में 21% हो चुकी है। रिपोर्ट में अनुमान है कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी कम रह जाएगी और मुस्लिम आबादी में करीब 30% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध घुसपैठियों ने खतरनाक तरीके से मुंबई में बेतहाशा भीड़ बढ़ा दी है। बढ़ती घुसपैठ से देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठ कर आए 40% लोग बाकी लोगों की भी अवैध घुसपैठ करने में मदद कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों में 40% हर महीने 10,000 से 1,00,000 रुपए तक देश से बाहर भेज रहे हैं। घुसपैठिए अवैध कागजात बनवाकर चुनाव प्रक्रिया में भी हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बदलती डेमोग्राफी की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ है। बांग्लादेश बॉर्डर से मुंबई का फासला करीब 2000 किलोमीटर का है। सवाल ये है कि अवैध घुसपैठिए पूरे देश का सफर कर मुंबई में कैसे घुस जाते हैं? इसका जवाब रिपोर्ट तैयार करने वाले TISS के असिस्टेंट प्रोफेसर सौविक मंडल ने बताया। उसमें हम एक्सप्लोर किया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम पॉपुलेशन हु आर कमिंग टू इंडिया टू द बॉर्डर स्टेट फर्स्ट लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वी हैव गॉट फ्यू सैम्पल्स ऑफ झारखंड एंड बिहार ऑल्सो। दे आर कमिंग टू दिस स्टेट बाई सम एजेंट्स, प्री डिफाइंड एजेंट एंड सम रिलीजियस इंड्यूस नेटवर्क। तो दे आर कमिंग हेयर एंड वो लोग क्या कर रहे हैं आके, फर्स्ट दे आर मेकिंग द इंडियन डॉक्यूमेंट्स। वट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज दैट दे आर आधार कार्ड, सेकेंड इज देयर वोटर कार्ड, थर्ड इज देयर पासपोर्ट, दे आर मेकिंग देयर पासपोर्ट ऑल्सो। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दे मुंबई आके वो सिर्फ शांत नहीं है, देयर एस्पिरेशन इज टू गो टू द मिडिल ईस्ट एंड टू द दुबई। मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है सियासत होनी ही थी, हो भी रही है। बीजेपी के किरीट सोमैया रिपोर्ट से दो कदम आगे निकल गए। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जियाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रिपोर्ट को लेकर अपनी राय दी। मैं इतना ही कहूंगी, रिपोर्ट को डिटेल में समझने की जरूरत है, चिंता का विषय निश्चित है जो रिपोर्ट फ्लैग करती है। मुंबई में पहले भी अवैध घुसपैठ का मुद्दा गर्माता रहा है, ऐसे में चुनावी वक्त में सामने आई रिपोर्ट पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी जहां इस रिपोर्ट को आईना बता रही है, तो उद्धव की पार्टी पूछ रही है कि चुनाव के वक्त सर्वे का मकसद क्या है।
पिछले 10 साल में बहुमत से की सरकार भाजपा की रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश को सुरक्षित रखे। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं, अगर बांग्लादेशी आए, तो भाजपा का काम क्या है? फिर प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है, गृह मंत्री ने क्या काम किया है? सारे इंस्टीट्यूशन भाजपा कंट्रोल करती है, गंदी राजनीति करती है, और ये सर्वे हमारे देश के जवानों का अपमान करती है, हमारे देश के बीएसएफ का अपमान करती है। सर्वे को लेकर कांग्रेस से भी सवाल पूछा गया। दिग्विजय सिंह बोले, अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। I have not seen the report. मेरे सामने एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या ने मैंने अपने मतदार संघ में देखा नहीं है। यहाँ कानून है उसके लिए, अगर कोई भी आदमी गैर कानूनी तौर पर रहता है तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उन्होंने उस पर एक्शन लेना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव के वक्त रिपोर्ट जारी करने को लेकर सवाल उठाए। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका टाइमिंग आपको बताता है कि इस उद्देश्य से आई होगी। महाविकास अघाड़ी के नेता रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में टाइमिंग बड़ा मायने रखती है। फिलहाल चुनाव से डेढ़ हफ्ते पहले आई रिपोर्ट का मुद्दा अभी और गर्माना तय माना जा रहा है। ABP News आपको रखे आगे।